सब गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई देखो, मैं एक बात बोलता हूँ यार, ये चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं बोली है ना, किसी भी मूवी को लेकर। बिकॉज मैं हमेशा मानता हूँ कंटेंट इज द किंग, कंटेंट किंग होना चाहिए, है ना। कंटेंट के ऊपर मूवी चलती है। अगर पठान का कंटेंट बुरा हुआ तो हो सकता है वो 100 करोड़ कमाने के लिए उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए, अच्छा हुआ तो वो 1000 करोड़ भी जा सकती है। कंटेंट किंग है भाई आज के टाइम पे। बट एक्चुअली पठान के साथ क्या सीन है ना भाई, पठान के साथ ये सीन है कि उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कंटेंट अच्छा हो या बुरा हो, लोग बस इतना चाहते हैं कि अगर पठान फ्लॉप होगी ना तो हिंदू धर्म का जीत होगा, अगर पठान सुपर डुपर हिट होगा ना तो इनकी धर्म इनका धर्म हार जाएगा, ये लोग कहना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि देखो जो चीज़ें हो रही है, एक गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर एक मॉल में घुस के जिस तरीके से पठान के पोस्टर्स तोड़े जा रहे हैं, वहां पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं ना, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैमरे में आए ना सारे के सारे लोग, किसने एक्शन लिया अभी तक यार? किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर हमला होता है, अभी तक किसी किसी ने एक्शन लिया उसके ऊपर? हाँ, गुजरात की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उसके ऊपर? नहीं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बोलते हो यार ये दीपिका पादुकोण ने इंसल्ट कर दिया भगवे का, ये केसरिया रंग पहन के, केसरिया बिकनी पहन के इंसल्ट कर दिया। अरे वो तो भाई जस्ट एक एक्टिंग कर रही है ना, वो तो एक्टिंग कर रही है ना, वो एक्टिंग कर रही है। बट यहाँ पर जो हमला कर रहे हैं वो भगवा पहन के जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म ये सिखलाता है आप लोगों को कि आप भगवा पहनो और लड़ाई झगड़े करो, मारपीट करो किसी के साथ, है ना, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जाके उनका नुकसान करो, ये सिखलाता है कि आप लोगों को? अभी यहाँ पर सिंपल सी एक बात आ गई है भाई, कंटेंट अच्छा या वो या फिर बुरा हो, पठान ने ब्लॉकबास्टर बनाना है, बस बात खत्म। यार देखो, ये हो सकता है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, आने वाले टाइम में अगर हो सकता है पठान का कंटेंट अच्छा नहीं हुआ तो फ्लॉप हो जाती है, तो लोग मेरे को आगे बोलेंगे भाई देख पठान को फ्लॉप करा दिया, हमारा पावर है। अरे अगर पठान फ्लॉप भी हो गई ना तो भी मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ना, आज का टाइम में जो चीज़ चल रही है, आप लोगों ने एक मूवी के अंदर आप लोगों ने धर्म को घुसा दिया है। एक मूवी सुपर डुपर हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी, ये डिसाइड करेगा किसका धर्म कितना मजबूत है, ये डिसाइड करता है आज के टाइम पे। अच्छा आज के टाइम पे क्या सेफ है यार? हमने जो बॉलीवुड हम देखते थे वहां पर आप लोगों ने पूरे के पूरा फसाद घुसा के रखा है ना, हिंदू मुस्लिम का, इसका उसका, ठीक है। उसके बाद आप नॉट ओनली फॉर दिस क्रिकेट की बात करो, क्रिकेट छोड़ो, आप हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसकी बात करो, या फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, जो सॉन्ग्स आते हैं उसके अंदर देख लो, मतलब हर जगह पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा घुसा के रखा है, कहीं पे भी रियलिटी नहीं है। अच्छा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे बहुत लोग बोल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, उसको जस्टिस दिलाएंगे। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बोलता हूँ यार, सुशांत सिंह राजपूत का जब डेथ हुआ था उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का जितना फैन बेस निकल के बाहर आया है, वो फैन बेस अगर सुशांत सिंह राजपूत को पहले सपोर्ट करता ना, मूवीज देखता उसकी, जितने लोग आज सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे बॉलीवुड को बाइकॉट करते हैं, उतने लोग अगर सुशांत सिंह राजपूत की मूवी देखने के लिए जाते ना, तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे साथ होता, ठीक है। मतलब उसको कुछ अगर उसकी डेथ होती भी उस टाइम पे, जो भी है यार, जिस तरीके का मर्डर हुआ, आत्महत्या क्या, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट अगर वो अभी नहीं भी होता ना हमारे बीच, तो भाई जितना नाम कमा के वो मरा है ना, उससे कई ज्यादा नाम कमा के हमारे बीच से वो बंदा आ जाता, तो ठीक है ना। आप सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जितना वो बोलते ना बॉलीवुड के नाम पे गंदगी फेर रहे हो, भाई आप लोगों ने कितनी सुशांत सिंह राजपूत की मूवी इन थिएटर्स जाके देखी थी वो बताओ ना मेरे को कमेंट सेक्शन में यार। सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ चाहिए कि किस तरीके से शाहरुख खान है ना, एक मुस्लिम बंदे को टारगेट किस तरीके से करना है, दिस इज अ रियलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडिया इंडिया का जो है ना, ये पूरी बड़ा इंडिया जो चीज़ कर रहा है, ये चीज़ होती है कि भाई किस तरीके से शाहरुख खान को टारगेट करना है, सलमान खान को किस तरीके से टारगेट करेंगे ना, मुस्लिम के नाम पर, या फिर कुछ बोल दिया होगा, या फिर किसी मूवी की क्लिप निकाल के दिखाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो, है ना, ये सारी के सारी चीजें निकाल के दिखाएंगे आप लोग। एनीवेज यार, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, पठान ने हर हाल में ब्लॉकबस्टर बनाएंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं भी हुआ तो हो सकता है फ्लॉप हो जाएगी, बट मेरे को एक बात खुशी रहेगी कि भाई हमने गलत चीज का, गंदगी का, बेकार की चीज का कभी सपोर्ट नहीं किया है। मैंने लाल सिंह चड्ढा का भी सपोर्ट किया था बिकॉज मैं मूवीज को जस्ट एंटरटेनमेंट का हिस्सा मानता हूँ, एंड नाउ मैं पठान को भी सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक जस्ट मूवीज को एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा मानता हूँ। एंड पठान को अगर आप लोग इतना पर्सनली ले रहे हो, धर्म के साथ जोड़ रहे हो, देखो भाई मैं तो पठान को अभी भी भाई जस्ट एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखने जाऊंगा, बट दिल से चाहता हूं कि पठान इस बार फ्लॉप ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं ना शाहरुख खान के नाम पे, भाई दिल से बुरा लगता है कि हिंदुस्तान की हालत देख के। एनीवेज यार, पठान फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन जाने वाला है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।